छीनने के लिए लिए थे। ठीक है, तो ये एक मोबाइल छीने थे, तो वो लड़का जो है की निकल गया। ठीक है, तो निकल गया और हम लोग जो है पकड़ा किए। तुम दोनों साथ में कहाँ कहाँ काम किए? नहीं, पहले बार था इसके साथ, पहले बार था। ये वहाँ रहता है, यहाँ हफला इसका ससुराल है। मेरा घर खास कटियार है, शरीफगंज हॉस्टल के पास में मेरा घर है। ठीक है, हम फेरी उड़ी करते, तीनों लोग काम करते फेरी का। तो काहे लूट का बड़ा बड़ा काम काहे लूटने काहे लग गया लॉकडाउन में? घर हो गया था, इसलिए बाइक में गिए थे। क्या हो गया था? घर गिर गया। अच्छा, कुछ पैसा की जरूरत है तो गिए थे। ये सामान अब किसका है? ये दोनों ही जाने या वो लड़का? वही लोग को मान वो भाग गया ना। पाँच 31 को रनपुरा थाना अध्यक्ष दिन में गश्ती में वाहन चेकिंग वगैरह में निकले हुए थे। उसी क्रम में करीब 1:30 बजे में बैलबासा रेलवे गुमती के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक संदिग्ध लग रहा था, जिसको खदेड़ करके इन्होंने पकड़ा। तो जो दोनों है, वह एक अपना नाम शौकत राय, जो लक्ष्मीपुर फलका का निवासी है, दूसरा मोहम्मद कासिम बताया, जो शरीफगंज का निवासी है। उन दोनों के पास तलाशी ली गई तो एक पिस्तौल और दो गोली बरामद हुआ। इस संबंध में गिरफ्तार किया गया। और ऐसा लग रहा है कि उधर पूछने पर भी बताया है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत है, इसलिए अपराध करने के उद्देश्य से गया था। लॉकडाउन के कारण इसका काम बाधित हो गया सर। तो अब पुलिस इस तरह का जो बाहर से लोग आए, इसको लेकर कितना सतर्क है, ये कितना अपराध बढ़ सकता है, इससे क्या लगता है? लॉकडाउन में तो हम लोग भी देखे हैं जो कुछ अपराध बढ़ता है, क्योंकि बाहर से बहुत लोग हैं, नहीं है तो चाहते हैं कि किसी माध्यम से हम लोग कर ले, लेकिन पुलिस सक्रिय है। ABP News आपको रखे आगे।